हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमोनिया से यूरिया की तैयारी की स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से अमोनिया से यूरिया तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि यूरिया एक फर्टिलाइज़र है, मतलब एक खाद है। तो इससे पहले कि हम यूरिया को स्टडी करें, हम फर्टिलाइज़र्स को देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स क्या चीज़ होती हैं। फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक एनपीके रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। होता कुछ इस तरीके से है, देखें, हमारी ज़मीन को कुछ एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि है एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। हमारी ज़मीन को कुछ एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ताकि क्या काम हो सके, हमारे पौधों की ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो अगर हमारी ज़मीन में इन एलिमेंट्स की कमी हो जाए, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो सब्सटेंस ज़मीन में डाले जाते हैं, उसे हम ये कहते हैं फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, हमारी ज़मीन में कुछ एलिमेंट्स की कमी होती है, ठीक है, जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, और ये एलिमेंट्स हमारी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर हमारी ज़मीन में इन एलिमेंट्स की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो सब्सटेंसेस ज़मीन में डाले जाते हैं, उसे हम ये कहते हैं फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं? इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं। रिप्लेनिश द केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, तो कहते हैं कि जी ये जो है हमारी ज़मीन में जो एलिमेंट्स की कमी है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वो कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, तो ये उस कमी को पूरा करते हैं। फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं? हमारी ज़मीन में कुछ एलिमेंट्स की कमी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, तो फर्टिलाइज़र्स उन्हीं एलिमेंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो देखें, हमें यहाँ से ये पता लग गया कि हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है, हमारी ज़मीन को कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ताकि हमारे ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ सके और हमारे पौधों की ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो देखें, फर्टिलाइज़र में हम यूरिया पढ़ रहे हैं, और यूरिया के बारे में आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, NH2, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप और NH2, ये इसका फार्मूला है। तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। यूरिया हमें हमारी ज़मीन को क्या प्रोवाइड करती है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, ना तो ही हमें फास्फोरस प्रोवाइड करेगी, ना ही हमें पोटाशियम प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये हमारी ज़मीन में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए यूरिया इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो अक्सर आपने अगर यूरिया की बोरी देखी हों, ठीक है, वहाँ पर अक्सर लिखा होता है 46-00, ठीक है, 46 का मतलब यह है कि यूरिया में तकरीबन 46% तक जो है नाइट्रोजन मौजूद होती है, पोटाशियम उसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं होती, और फास्फोरस भी उसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। तो बहरहाल, यूरिया का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, और यूरिया के बारे में मैंने आपको बताया, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ये ऐसी फर्टिलाइज़र है जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी। फिर मैंने बताया कि इट इज़ यूज एज अ फीड सप्लीमेंट फॉर कैटल्स, ये मवेशियों को खुराक के तौर पर भी जो है दी जाती है, ताकि उनसे ज़्यादा ज़्यादा पैदावार ली जा सके, उनकी दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो यूरिया के बारे में कह रहा है कि इसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है। आया हमें कैसे पता लग गया कि यूरिया में इतनी परसेंट नाइट्रोजन होती है? उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो मास ऑफ कंपोनेंट, चूंकि हम मैं नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ,
तो मुझे नाइट्रोजन का मास ऊपर लिखना है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे दो हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 28 आ जाएगा। और इसका टोटल मास कितना है, यूरिया का 60 है। अगर आप देखें ये 14, ये 2 16, ये भी 14 और 2 16, ठीक है। चूँकि हाइड्रोजन जो है दो हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दो के लिए 2 होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 16, यहाँ पे भी 16, टोटल हो गया हमारे पास 32। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये बन जाएगा 28। 32 प्लस 28 क्या बन जाएगा, 60। 28 को 60 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 46.6। इसका मतलब यूरिया हमारी ज़मीन को पौधों की ग्रोथ के लिए कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, 46.6% नाइट्रोजन मुहैया करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया यूरिया का इंट्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया कि ये अक्सर आपने बोरियां देखी होंगी यूरिया की, वहाँ पे लिखा होता है 46-0-0, ठीक है। 46 का मतलब नाइट्रोजन उसके अंदर यूरिया के अंदर कितनी है, 46% है। फास्फोरस 0 है और पोटाशियम 0 है, क्योंकि अक्सर यूरिया की बोरियों पर आपने ऐसे लिखा देखा होगा, 46-0 नाइट्रोजन उसमें 46% होती है, ठीक है, यूरिया की खाद में। और पोटाशियम और ये हमारे पास फास्फोरस और पोटाशियम बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखें, किसी भी मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल्स देखना पड़ते हैं। तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें दो रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, ठीक है। ये दो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या तैयार कर लेंगे, यूरिया तैयार कर लेंगे। तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हासिल होती है वो अभी आपको रिएक्शन से पता लग जाएगा, मगर नाइट्रोजन कहाँ से हासिल होती है, चूँकि अमोनिया ने बनना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अमोनिया ने किससे बनना है, नाइट्रोजन से, ठीक है, और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन हम हवा से ले लेते हैं और हाइड्रोजन हम जो है ये नेचुरल गैस मतलब CH4 से ले सकते हैं, और इसके अलावा हम स्टीम से ले सकते हैं। और इसी तरीके से नेचुरल गैस और स्टीम से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल हो सकती है। तो मेजर रॉ मटेरियल मेरे पास क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अमोनिया कैसे हासिल, कहाँ से हासिल होगी, ठीक है। तो अमोनिया के लिए हमें बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन हम हवा से ले लेंगे और हाइड्रोजन हम कहाँ से लेंगे, या तो मीथेन से नेचुरल गैस से ले लेंगे या फिर स्टीम से ले लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से ले लेंगे, वो भी हम या तो स्टीम और नेचुरल गैस की कंबस्शन से जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर नेचुरल गैस है, क्योंकि नेचुरल गैस में क्या होती है, कार्बन मौजूद होती है, तो कार्बन को हम अगर जलाएंगे तो हमें क्या हासिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी। तो ये तो थे उसके रॉ मटेरियल्स। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को हम नेचुरल गैस से हासिल करेंगे, ठीक है, या फिर स्टीम से हासिल करेंगे। ये देखें, नेचुरल गैस है हमारे पास मीथेन, मीथेन का हमें रिएक्शन कराया स्टीम के साथ निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कार्बन इन दो ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या रह गया, हाइड्रोजन। ये चार हाइड्रोजन है, ये चार हाइड्रोजन है, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन। तो हम इसको लिख देंगे 4H2, ठीक है। तो देखें, मैंने नेचुरल गैस को स्टीम के साथ मिलाया और मिलाने के बाद मैंने क्या हासिल कर लिया उससे, मैंने उससे हाइड्रोजन गैस हासिल कर ली और साथ ही मुझे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन को मिलाकर हम अमोनिया हासिल कर सकते हैं, और अमोनिया मेजर रॉ मटेरियल है किसका, यूरिया का। अब हम ये देखते हैं कि हम नाइट्रोजन कैसे हासिल करते हैं। देखिए, हवा में आपको सबको पता है कि हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से ऑक्सीजन को निकाल दें, हमारे पास क्या बचेगा, नाइट्रोजन बचेगी, ठीक है। तो यही काम मैं करने लगा हूँ
कि मीथेन गैस को जला रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, मतलब मीथेन गैस का मैं हवा के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हवा मीथेन क्या काम करेगी, हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और वाटर बना देगी, वाटर वेपर्स बना देगी, ठीक है। तो मेरे पास जैसे ही मैं नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया, ठीक है, मुझे क्या हासिल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ये कैसे हासिल हुए ये देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन सी, और यहाँ से मैं O2 ले लूँगा, ये बन जाएगा CO2। पीछे मेरे पास क्या बचा, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। देखें ये चार हाइड्रोजन है और ये दो ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आपने बना देने हैं दो। तो अभी तक इस रिएक्शन से मुझे ये पता ये लगा कि जैसे ही मैंने हवा का, ठीक है, हवा का रिएक्शन मैंने नेचुरल गैस के साथ कराया, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गई, तो पीछे कौन सी गैस बची, ठीक है। मैंने आपको ख़ुद बताया कि हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होती है ज़्यादा मिकदार में और नाइट्रोजन भी होती है। ऑक्सीजन को तो हमने रिएक्शन के ज़रिए रिमूव करवा दिया है, पीछे हमारे पास कौन सी गैस बचेगी, नाइट्रोजन गैस बचेगी, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया क्या है, मेजर रॉ मटेरियल है किसका, यूरिया का। तो अब तक हमें जो प्रोडक्ट हासिल हो चुकी हैं वो कौन सी हैं, वो प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो प्रोडक्ट है हमारे पास ये वाटर मतलब स्टीम, और जो है अगर आप गौर करें कि वो ये कहता है कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इससे तेजाबियत बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम इसमें एक बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट डाला जाता है, ठीक है, मतलब मैंने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, जो मेरे पास कुछ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मैंने निकाल देना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को पोटाशियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे एक एब्जॉर्बर में, ठीक है। तो पोटाशियम कार्बोनेट क्या काम करेगी, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको अपने अंदर जज कर लेगी और क्या बना देगी, पोटाशियम के बाइकार्बोनेट बना देगी, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको ये तीन बातें बताई, ठीक है, पहले रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हासिल हुई, तो हाइड्रोजन को हम साइड पे कर लेते हैं चूंकि इससे हमने अमोनिया बनानी है, ठीक है। फिर मैंने क्या काम किया, दूसरे रिएक्शन में हवा का नेचुरल गैस के साथ रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो पीछे क्या बचेगा, नाइट्रोजन बचेगी, और नाइट्रोजन भी क्या है, मेजर रॉ मटेरियल है किसका, अमोनिया का। मेरे पास क्या बनेगा, CO2 और वाटर। अब मैंने जो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या काम करना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पोटाशियम कार्बोनेट में एक बेसिक सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करवा देना है, ठीक है। तो मुझे क्या हासिल होगा, पोटाशियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा प्लस का पोटाशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। देखें दो के, ये दो के, और इसके अलावा हमारे पास दो एच हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, दो एच, तो ये दो एच हमने जो है रिमूव कर दिए, ये यहाँ पे आपको प्रोड में बनते नज़र आ रहे हैं। फिर हमारे पास कार्बोनेट है, CO2 को O के साथ मिलाएंगे CO3, और ये भी CO3, दो CO3 हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दो CO3, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने इस रिएक्शन को करवाने का, एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप को करवाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा दी है। तो कहता है अगर कोई वाटर रह चुका है, ठीक है, वाटर वैसे तो हमने रिमूव करने की कोशिश की है, अगर वाटर रह चुका है तो हम उसको कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए अलग करवा सकते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है कि वेपर्स को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर वेपर्स को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कंबस्टन प्रोडक्ट, जब वाटर भी रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गई, तो मेरे पास रिमेनिंग गैसेस कौन सी रह गई,
वो मेरे पास रह गई हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन के नतीजे हमें नाइट्रोजन हासिल होगी। ठीक है, उसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने आपस में मिलाना है किस रेशो से, 1:3 से, मतलब एक हिस्सा हमें लेना है नाइट्रोजन का और 3 हिस्से हमने किसके लेने हैं हाइड्रोजन के। इनको हमने मिलाना है आपस में, 200 atm का प्रेशर देना है। हमारी जो हवा होती है इसका प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है, मगर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रिएक्शन कराना है, 200 atm पे, 400 से तकरीबन 450 degree C पर हमने ये रिएक्शन कराना है आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगी, अमोनिया बना देगी, और अमोनिया क्या है, मेजर रॉ मटेरियल है किसका, यूरिया का। तो आई थिंक आपको इस पेज की समझ आ चुकी होगी। पहले स्टेप में मैंने क्या काम किया है, मैंने हाइड्रोजन को बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल है अमोनिया को बनाने का। दूसरे स्टेप में मैंने क्या काम किया है, हवा का मीथेन के साथ रिएक्शन कराया है। तो हवा की जो ऑक्सीजन है वो जो है कंज्यूम हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर हमारा जो है ना इस ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन जाती है इन रिएक्शंस के नतीजे में, ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ने का चांस होता है। तो हम इसको एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं पोटाशियम कार्बोनेट के, ठीक है, ताकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव की जा सके। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए ये एब्जॉर्प्शन का अमल किया जाता है, और हमें क्या हासिल होता है, पोटाशियम के बाइकार्बोनेट हासिल किए जाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से हमने क्या काम करने की कोशिश की, वाटर को रिमूव करने की भी कोशिश की है, लेकिन कहता है अगर वाटर इस रिएक्शन से भी रिमूव ना हो तो हम कंडेंसेशन के प्रोसेस से वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है जब पानी भी निकल जाएगा और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी इन कंबशन प्रोडक्ट से, ठीक है, तो हमारे पास जो गैसेस रह जाएंगी वो कौन सी गैसेस होंगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगी, नाइट्रोजन का एक हिस्सा, हाइड्रोजन के 3 हिस्से इन कंडीशन पर आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, अमोनिया बना देंगे, और अमोनिया क्या है हमारे पास, मेजर रॉ मटेरियल है किसका, यूरिया का। ठीक है, अब हम आते हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अभी तक हम मैंने आपकी बेस बनाई, ठीक है, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि यूरिया एक खाद है जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है, उसकी जरखेज़ी को और पौधों की ग्रोथ को, ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाती है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि यूरिया को बनाने के लिए हमें जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पिछले रिएक्शन में बनती नज़र आई, और इसके अलावा आपको अमोनिया भी बनती नज़र आई। अमोनिया किससे बनेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, अब देखें यूरिया को बनाने के लिए जो कंडीशंस हमें दरकार हैं, वो दरकार हैं कि हमें लिक्विड अमोनिया चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए, 170 डिग्री C से लेकर हमें 200 डिग्री C का टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर हमें चाहिए तकरीबन 100 से लेकर 300 atm। देखें जो हमारी आम हवा है जिसको हम फील कर रहे हैं सब बैठे, उसका प्रेशर कितना है, 1 atm है, और यहाँ पे तो हमने गैसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो देखें आपके पास ये शायद बुक पे लिक्विफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपल इसको लिक्विफाइड बेशक मत लिखें, आप इसको लिखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि उसने फिर आगे क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे एक कंप्रेसर लगाया हुआ है, तो कंप्रेसर हमेशा गैस के साथ लगता है ना कि लिक्विड्स के साथ। ठीक है, तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख सकते हैं, ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, ठीक है, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर, और ये रिएक्शन होगा 2 स्टेप्स में। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि हर कोर्स की नेचर मुख्तलिफ होती है। अगर आप यही टॉपिक केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, मगर हम चूँकि इसको BS लेवल पे पढ़ना चाह रहे हैं और आपकी बुक में इसको बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, तो हमने भी उसी लिहाज से इसको शॉर्ट ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैंने तो यहाँ पे आपको देखें आपकी बुक के मुताबिक 4 स्टेप्स में इसको दिखाने की कोशिश की है, मगर अगर आप इसको जो है हाई लेवल पर ले जाएंगे,
ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल पे ले जाएंगे तो इसको बड़ी ही डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी बुक के लेवल तक इसको इतने ही स्टेप्स में डिस्क्राइब किया गया है, तो हमने इसको इतने ही स्टेप्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है। तो हम पढ़ रहे हैं यूरिया, और यूरिया के लिए हमें जो है दो स्टेप्स, यूरिया को बनाने के लिए जो है हमें दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहले स्टेप में क्या है, जो अमोनिया हमने पीछे बनाई थी पिछले पेज पर, ठीक है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिला देंगे, ठीक है, इन्हीं कंडीशंस पर। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने रिमूव करवा दी थी, ठीक है, जो ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अमोनिया के साथ मिलाएंगे, क्या बनेगा, अमोनियम कार्बामेट बनेगा। अमोनियम कार्बामेट कैसे बनेगा, देखें NH3 है ना, यहाँ से NH2 ले लें, ठीक है, ये COO यहाँ पे वैसे का वैसे लिख दें, फिर मेरे पास एक NH3 अभी बचा हुआ है, और मैंने देखो मैंने जो शुरू शुरू में जो मैंने लिया था, असल में दो NH3 थे मेरे पास, कितने NH3 थे, दो NH3 थे, ठीक है, एक NH3 और एक NH3, अगर आपको यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले लिया NH2, ठीक है, ये मैंने NH2 लिख दिया, ये COO लिख दिया, और यहाँ पे एक H जो बचा था ना, उस H को हम इस NH3 के साथ मिला देंगे, क्या बन जाएगा, NH4, तो ये क्या बन गया, अमोनियम कार्बामेट बन गया। और इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज़ हो रही है वो आपको बता रहा है तकरीबन 665 किलो जोल पर मोल के हिसाब से हीट रिलीज़ हो रही है, मतलब ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो ये काम हो जाएगा, दूसरे स्टेप में क्या काम होगा, यही अमोनियम कार्बामेट डीकम्पोज हो जाएगा किसमें, यूरिया में, ठीक है। अगर आप देखें NH2, यहाँ से भी NH2 ले लें, NH2 ट्वाइस बन जाएगा, यहाँ से ले लें CO, ठीक है, तो ये बन गई क्या हमारे पास, यूरिया। और पीछे बचे मेरे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये आपस में मिले क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। तो हमने दो स्टेप से गुजरे, पहले स्टेप में हमने अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया इन कंडीशंस पर, हमें क्या हासिल हुआ, अमोनियम कार्बामेट हासिल हुआ। वही अमोनियम कार्बामेट दूसरे स्टेप में जाके डीकम्पोज हो गया, उसने क्या बना दिया, यूरिया बना दी प्लस वाटर बना दिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ के, यूरिया एक्चुअली बनती किस तरीके से है। ये तो फिलहाल तो मैंने आपको चार ब्लॉक्स में इसको समझाने की कोशिश की, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी इतने ही ब्लॉक्स को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वरना ये बड़ा ही हाई लेवल का टॉपिक है। हमने क्या लिया, लिक्विफाइड अमोनिया ली, ठीक है, अगर आप बुक में देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आगे कंप्रेसर लगाया हो, तो भाई अमोनिया के आगे कंप्रेसर नहीं लगता, पंप लग सकता है लिक्विड अमोनिया के, कंप्रेसर हमेशा किसके आगे लगता है, गैस के आगे लगता है, तभी मैंने आपको कहा यहाँ पे आप क्या लिख दें, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें, ठीक है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिएक्शन चैम्बर में भेजे, रिएक्शन चैम्बर में क्या होगा, यही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे, अमोनियम कार्बामेट बनाएंगे, फिर अमोनियम कार्बामेट डीकम्पोज होगा किसमें, यूरिया में और वाटर में, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इसी रिएक्शन चैम्बर में होंगे, और फिर जो है हमारे पास यूरिया प्लस वाटर कहाँ चला जाएगा, इवेपोरेटर में चला जाएगा, ठीक है। इवेपोरेटर में क्या होगा, इवेपोरेटर में हम ये कोशिश करेंगे कि जो है हमारे पास जो वाटर है किसको किस तरीके से इवेपोरेट करवा दें, ठीक है। बल्कि आप इवेपोरेटर का मकसद इसी के समझें कि देखें इवेपोरेटर में क्या होगा, अमोनिया के सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट करेंगे। जिन गैसेस ने अभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, उसको हम स्ट्रिप ऑफ कर देंगे, उसको हम यहाँ से निकाल कर वापस रिएक्शन चैम्बर में भेज देंगे। हो सकता है कि 100% गैसें रिएक्शन में हिस्सा ना ले रही हूँ, ठीक है। तो इवेपोरेटर में हम यूरिया के सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे, और जिन गैसों ने अभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया होगा और वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुई होंगी, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिप ऑफ करके रिसाइकल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अनरिएक्टेड गैसें जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की हैं वो वापस रिएक्शन चैम्बर में चली जाएंगी, वापस जाके रिएक्शन करेंगी और वापस अमोनिया बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इवेपोरेटर का मकसद क्या हुआ,
इवेपोरेटर का मकसद ये हुआ कि मैंने यहाँ पर यूरिया के सॉल्यूशन को गाढ़ा करना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है, और यहाँ से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकाल देनी है, अनरिएक्टेड गैसेस को हमें निकाल देना है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिसाइकल कर देंगे और पानी को हम कंडेंसेट में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है, पानी को कंडेंस कर देंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। अब ये जो लिक्विड अमोनिया, जो गाढ़ी अमोनिया है, ये कहाँ जाएगी? प्रीलिंग टावर में जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी? प्रीलिंग टावर में जाएगी। प्रीलिंग टावर को मैंने आपको नीचे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये देखें, लिक्विड यूरिया आप ऐसे समझें जैसे आपके वॉशरूम में एक शावर लगा होता है, वहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसी तरीके से ये एक बास्केट है। इस बास्केट से यूरिया जो है, गाढ़ी यूरिया, वो जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगी, ठीक है। तो गाढ़ी यूरिया इस बास्केट में, ये मेरे पास एक प्रीलिंग टावर है, ठीक है, और यहाँ पे बास्केट में से जो है मैं उस गाढ़ी यूरिया को जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक है। हॉट और ड्रायर, गर्म और खुश्क हवा को हम यहाँ से पास करेंगे। गर्म और खुश्क हवा क्या काम करेगी? गर्म और खुश्क हवा ये काम करेगी कि ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड यूरिया, गाढ़ी यूरिया नीचे गिर रही है, हॉट ड्रायर इसकी नमी को उठा के ले जाएगी। हॉट ड्राई एयर खुद मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, खुश्क हवा नमी वाली हवा में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर हमारी यूरिया जो है दानेदार फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो है हमें नीचे से हासिल हो जाएगी, ठीक है, हमें ग्रैनुलर यूरिया हासिल हो जाएगी। फिर हम क्या काम करेंगे, इसको स्टोरेज कर लेंगे इसकी, और आगे जाके हम इसकी क्या कर लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात, आपकी बुक में डिस्टिलेशन टावर लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्टिलेशन टावर असल में क्या है? इवेपोरेटर ही है, ठीक है, वैसे डिस्टिलेशन टावर का मकसद कुछ और होता है, लेकिन आपकी बुक में जो है उसको इवेपोरेटर के जो है ज़ुमने में लिया गया है। मतलब मैंने वहाँ पे इवेपोरेटर में क्या काम करना है, अनरिएक्टेड गैसेस को बाहर निकाल देना है, पानी को कंडेंसेट कर देना है, पानी को कंडेंस करके निकाल देना है, और यूरिया के सोल्यूशन को मैंने कंसंट्रेट करना है। तो जहाँ पे यूरिया का सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा वहाँ पे जो है इवेपोरेटर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, उसको रिएक्शन चैम्बर में भेजा, रिएक्शन चैम्बर में ये दो रिएक्शन होंगे, यूरिया बनेगी, ठीक है, और इसी यूरिया के सोल्यूशन को हम इवेपोरेटर में भेज देंगे, जहाँ पे जाके वो गाढ़ा होगा, कंसंट्रेट होगा, अनरिएक्टेड गैसेस को हम स्ट्रिप ऑफ करके रिसाइकल कर देंगे, ठीक है, सिंपली उसको बाहर निकाल देंगे और रिसाइकल कर देंगे और रिएक्शन चैम्बर में वापस भेज देंगे। हमें जो है गाढ़ी यूरिया हासिल होगी, उसे हम क्या करेंगे, प्रीलिंग टावर में से गुजारेंगे। प्रीलिंग टावर में क्या होता है, एक बास्केट होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, और उसमें से जो है लिक्विड यूरिया ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है नीचे की तरफ गिर रही होती है। हम क्या काम करते हैं, गर्म और खुश्क हवा को इस प्रीलिंग टावर में से पास करते हैं। गर्म और खुश्क हवा क्या काम करती है, इन ड्रॉपलेट से नमी को उठा के ले जाती है, और ख़ुद वो हवा खुश्क हवा से नमी वाली हवा में कन्वर्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। मगर क्या होता है, जैसे ही यहाँ से नमी निकलती है तो हमारी यूरिया जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें कौन सी यूरिया हासिल होती है, ग्रैनुलर यूरिया हासिल होती है, मतलब दानेदार फॉर्म में हमें यूरिया हासिल होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में डिस्टिलेशन टावर का जिक्र किया गया है, तो डिस्टिलेशन टावर जो है आपने इवेपोरेटर को समझना है, ठीक है, कि इवेपोरेटर ही असल में डिस्टिलेशन टावर है, जहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेपोरेटर असल में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन बॉयल करता है, और बॉयल होने की वजह से यूरिया का सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाता है, अनरिएक्टेड गैसेस रिसाइकल हो जाती हैं, और इस तरीके से हमें क्या हासिल होती है, यूरिया हासिल होती है, और किस फॉर्म में हासिल होती है, दानेदार फॉर्म में हमें हासिल होती है, ठीक है। तो आपकी बुक के एंड में उसने आपको कुछ ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके हमें जो है पाकिस्तान में यूरिया कहाँ कहाँ बन रही है,
ठीक है, मुल्तान में बन रही है। लाहौर की अगर बात करें, मुल्तान में तो अगर आप ये चौक खुमारा वाला से खानेवा रोड की तरफ जाएं तो आपको एक बहुत बड़ी जो है खाद फैक्ट्री नज़र आती है, ठीक है, वहाँ पे बन रही है। लाहौर में ये असल में बात करना चाह रहा है दाऊद हरकोलीस DH नामी जो है, पहले तो उसका नाम दाऊद हरकोलीस था, ठीक है, वहाँ पे यूरिया तैयार हो रही है। इसके अलावा सिंध में सादकाबाद है, ढहरकी है, मीरपुर माथिलो, ठीक है, वहाँ पर जो है यूरिया के यूनिट लगे हुए हैं जहाँ पर यूरिया की खाद बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि किस तरीके से हम यूरिया को तैयार कर सकते हैं बाय अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा कि हम किस तरीके से यूरिया को तैयार करते हैं, ठीक है, फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।